कोरोना को लेकर कलेक्टर धार ने पूरे जिले में 144 धारा लगाई है। वहीं पीतमपुर में कलेक्टर के आदेशों की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और कई फैक्ट्रियां भी चालू रही। सुबह सुबह आयसर ब्रिज के नीचे भीड़ जमा हो गई थी। रोजाना की तरह दोपहर बाद पुलिस ने भीड़ को समझाइश देकर घर के अंदर रहने की सलाह दी। SDM, तहसीलदार, स्थानीय पुलिस प्रशासन, नगरपालिका द्वारा सड़कों पर घूमने वालों को समझाइश देकर घरों में रहने की सलाह दी है। अनेक कंपनियां चालू है जो कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना कर रही है। वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने मजदूरों की चिंता करते हुए प्रशासन के सघन चेकिंग और प्रशासन के दबाव के बाद कई कंपनियों ने तो श्रमिकों को वापस घर पहुंचा दिया है। प्रशासन ने कितनी फैक्ट्रियों पर कार्यवाही की है यह पता नहीं चल सका। किराना, सब्जी, फल फ्रूट, मेडिकल की दुकानें प्रशासन की छूट की वजह से चालू है। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने वाले उद्योगों पर प्रशासन कार्यवाही करता है यह तो बाद में पता चलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्मदा एक्सटेंशन कंपनी और अन्य फैक्ट्रियों पर भी कार्यवाही की गई है। पीतमपुर पुलिस द्वारा आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। पीतमपुर यातायात प्रभारी मनोहर सिंह चौहान दलबल सहित समझाइश दे रहे हैं। पीतमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।